कामरान टिसोरी को सेनेटर बनाने पर एमक्यूएम पाकिस्तान बाहम दस्तों गरेबां। सेनेट इंतखाबात चारों सूबों में कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। वफाकी काबीना का इजलास, मुकदमाबाजी, अखराजात एक्ट और अदवियात सस्ती करने की मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफ़क़े हिरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह द सीनियर जर्नलिस्ट द वन एंड ओनली फारूक प्रताप। किस सामने को फारूक, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं, अपना सुनाइए डॉक्टर। मैं ठीक हूं नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आपने देखी है, आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि डिस्कस होंगे आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मैं भी रिपीट कर देती हूँ, टेलीफोन नंबर है 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करते हैं कराची के हवाले से, जो इस वक्त सियासी हलचल हमें नजर आ रही है। अगर एमक्यूएम की बात की जाए तो जिस तरह से धड़ेबाजी हमें नजर आ रही है, उसी टॉपिक से आज का प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कामरान टिसोरी के मामले पर इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान बाहम दस्तों गरेबा है। मामला नाज़रीन तब शुरू हुआ जब राबता कमेटी ने सेनेटर्स के इंतखाब के लिए जो है कागजात नामजदगी के हवाले से और उसके साथ जो नामजद अरकान हैं उनके नाम देने के हवाले से इजलास बुलवाया था, और इसमें फारूक सत्तार साहब ने कामरान टिसोरी का नाम जो है वो सेनेटर के तौर पर नॉमिनेट किया था। और इस बात पर काफी इख्तलाफात हुए थे और जितने भी बाकी अरकान थे जो कि राबता कमेटी के हैं उन्होंने इस बात की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि कामरान टिसोरी साहब ने अभी लास्ट ईयर ही तो ज्वाइन किया है, तो उनको सेनेटर किस तरह से बनाया जा सकता है और उन्होंने आखिर ऐसी क्या खदमात दी हैं कि उनकी ज्वाइनिंग के बाद वो डिप्टी कन्वीनियर भी बन चुके हैं और उसके बाद अब सेनेटर के लिए भी उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। सुनने में यह भी आया कि फारूक सत्तार साहब और आमिर खान के दरमियान ना सिर्फ ये एक तल्ख कलामी हुई बल्कि बाद हाथापाई तक भी जा पहुंची। उसके बाद हमने देखा कि आमिर खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें ये कहा गया कि कामरान टिसोरी की जो रुकनियत है उसको मुअत्तल किया जा रहा है। बात सिर्फ यहीं तक ना थमी, फारूक सत्तार साहब जो कि ऑल आउट जो है इस वक्त कामरान टिसोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने रात गए जो है वो वर्कर कन्वेंशन जो है इसका एमक्यूएम का उसको बुला लिया और वहां पर अपने मुतालबात भी रखे और ये कहा कि बात जो है वो कामरान टिसोरी की सेनेटरशिप देने की नहीं है बल्कि बात जो है उनकी सरबराही के हवाले से। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम जो एक डिसिप्लिन पार्टी है और जो एमक्यूएम का सरबरा होता है, जैसे आजकल मैं हूं सरबरा हूं, तो वो जो भी फैसला करता है वो मानना पड़ता है। पहले तो उनकी इजाजत के बगैर ये जो राबता कमेटी का इजलास था ये क्यों बुलाया गया, क्यों बात की गई मीडिया से, और इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर मुझे सरबरा बनाया गया है तो मेरी कई बातों को मानना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लोगों की मिन्नत करता रहूं और लोग मेरी बात ना माने। अगर कामरान टिसोरी से कोई इशू है भी तो क्योंकि मैं कह रहा हूं और अगर जानबदारी नजर भी आ रही है तो सरबरा को इतना अख्तियार जरूर होना चाहिए कि वो कुछ फैसले अपनी मर्जी के कर पाए। लेकिन खैर नाज़रीन, हमने देखा कि बात जो है यहां तक नहीं थमी। राबता कमेटी ने उसके बाद कोशिश की फारूक सत्तार साहब को मनाने की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जो है उनके घर भी गए। दो दिन से कोशिश वो कर रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब को मनाया जा सके, लेकिन फारूक सत्तार साहब कामरान टिसोरी के मामले पर रिजिट हो चुके हैं, रिजिट सांस उनका नजर आ रहा है। वो ये चाहते हैं कि कामरान जो टिसोरी साहब है उनको टिकट दे दिया जाए। ये बात हमने आज भी देखी कि जब सिंध के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जब आज कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे, जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम था फारूक सत्तार की जानिब से वो कामरान टिसोरी का ही नाम था। आज भी वहां पे फैसल सब्जवारी भी मौजूद थे और वो फारूक सत्तार साहब के गले लग कर रोए, और ये वही फैसल सब्जवारी हैं जिन्होंने कल कामरान टिसोरी के हवाले से ये इल्जाम भी लगाया कि कामरान टिसोरी साहब ने कोई 15 करोड़ के लगभग जो पैसे हैं वो फारूक सत्तार साहब को दिए हैं। अब क्योंकि कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, 6 कागजात नामजदगी, 6 नाम जो हैं वो राबता कमेटी की जानिब से गए हैं और 6 नाम जो हैं वो फारूक सत्तार साहब की जानिब से गए हैं। अभी भी जो है बातचीत और मुजाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है, देखते हैं कि किसके नाम आखिर में प्रूव होंगे, क्योंकि कहीं से भी फारूक सत्तार साहब हमें कामरान टिसोरी के नाम से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। पर फारूक, क्या आपको लगता है, क्या ऐसा फारूक साहब को कामरान टिसोरी साहब ने
ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है, क्या जादू उनका चल गया है कि फारूक सत्तार साहब राब्ता कमेटी से अलहदा हो गए, ये तक कह दिया मैं जो हूँ ये जो मुझे पोस्ट दी गई है सरबरा ऑफ MQM मैं वो भी छोड़ दूंगा अगर मुझे इख्तियारात नहीं मिलते, मैं जानबदार भी हूँ, मैं गलत भी फैसला कर रहा हूँ, कब भी मुझे ये राइट दिया जाए कि मैं ये फैसला कर पाऊँ? आखिर कामरान टिशोरी में ऐसा क्या है? कामरान टिशोरी में सोना ही सोना भरा हुआ है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो है थोड़े से प्रिंसिपल्स को सेटल कर लेते हैं। आपने ये जो सारी बातें की उसके अंदर सबसे पहले तो कराची जो है उसके बारे में मैं ऑनेस्टली बताऊं, इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जब भी मैं कोई बात जहां पे करता हूं तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा फीडबैक और मोहब्बत मुझे जब भी मिली है वो कराची से मिली है, कराची वाले लोग सुनते भी हैं बात को और समझते भी हैं और इसके लिए उनका शुक्रिया। अच्छा, अब बात आ गई, आपने कहा हाथापाई हुई है, अगर हाथापाई हुई है तो ये तो पहला प्रिंसिपल है कि जो है ना ये कंडोन किया नहीं जा सकता। जिसने भी थप्पड़ मारा है, आमिर खान साहब का कहा जा रहा है कि उन्होंने हाथ उठा दिया फारूक साहब पे या जो भी है, अगर ये बात सही है तो उनको मेरे ख्याल में पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, अब बात आ गई कामरान टिशोरी की। कामरान टिशोरी बड़े इंटरेस्टिंग करेक्टर है, एक तो सोने के ताजिर हैं या सुनहार कह लें हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद वो पहले जो है PMLQ में होते थे, PMLQ में उनका जो वो थे रबते थे बहुत ज्यादा थे, लेकिन ही वॉज नोन फॉर वन थिंग कि वो वहां पे फूट डलवा देते थे मुख्तलिफ लोगों के दरमियान। उसके बाद जो है वो फंक्शनल लीग के अंदर आ गए, फंक्शनल लीग में भी उन्होंने इम्तियाज शेख साहब का जब तक वो जो है ना पत्ता नहीं काटा तो उस वक्त तक सुकून नहीं आया, फिर उधर से भी हालात खराब हुए तो वहां से भी उठे और आ गए इधर MQM में। MQM में जब आए तो जहरी बात असर व रसूख रखते हैं, उसकी वजह से पार्टी का भी समझे ना कि पार्टी का एक डायनेमिक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहले ये पार्टी जो थी इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में हमने कितनी खुल खुल के बातें की। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अगर कोई अंडरवर्ल्ड था या कोई नेगेटिव था वो सारे के सारे फाइनेंशियल खत्म हो गए। अब पार्टी के ऑफिस भी बंद हैं और दूसरी साइड पे फाइनेंशियल जो है उनकी सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई जो है फाइनेंशियली इन्फ्लुएंशियल बंदा आ जाता है तो पार्टी तो चाहेगी ना कि उस बंदे को भी साथ रखें ताकि पार्टी अपलोड करे। बात तो नहीं है ना, ये जहांगीर तरीन साहब हम अगले टॉपिक में ये बात करेंगे। बाकी पार्टी में इस तरह के लोग पीपल्स पार्टी में नजर आते तो अगर MQM में है तो क्या कबाहत है, लेकिन वजह ये है फारूक जो सवाल उठ रहा है वो ये कि एक साल में ठीक है अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं तो आपको डिप्टी कन्वीनियर भी बना दिया गया, ये काफी नहीं है इतना कुछ कि आप कितने सीनियर्स को हटाकर, क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट आज की पॉलिटिक्स में हो चुका है फारूक? ये सवाल मैंने पहले भी आपसे किया है कि अब कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जरा थोड़ा सा आप समझेंगी। आमतौर पर ट्रेडिशनली मैंने हमेशा फारूक सत्तार साहब की वाह की है, मैंने उनको सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल में वो एक लॉजिकल फेस ऑफ द पार्टी है, लेकिन ही इज कन्वीनर, ही इज नॉट रैबर। वो जो होता है ना पार्टी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन नहीं है, वो कन्वीनर। अच्छा, जब कन्वीनर है तो कन्वीनर की पोस्ट तो इंटरचेंजेबल भी रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पार्टी के अंदर मौजूद है कि उनको हटाया जा सकता है। अब पार्टी का मसला ये है कि पार्टी के अंदर फारूक साहब की ये मुझे समझ आती है कि मुझे इतना वो तो दो ताकि इतनी पोस्ट पे मैं आ जाऊं कि बाद में अल्ताफ हुसैन या उस तरह की कोई एलिमेंट जो है रिक्लेम करने की कोशिश ना करे। लेकिन अब मसला ये है कि कामरान टिशोरी साहब जो है ना वो सिर्फ इस चीज के लिए इंटरेस्टिंग करेक्टर नहीं है पार्टी के अंदर। आपको पता होगा यहां से कुछ नाराज होकर PSP में लोग चले गए थे, उसकी वजह से जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं अगर PSP की सपोर्ट नहीं मिलती है तो इनको 3 सीटें मिलती हैं, अगर PSP की सपोर्ट मिलती है तो इनको 4 सीटें मिलती हैं। अच्छा, वो जो चौथी सीट है ना उसके लिए, और फिर वही PSP का मसला कि जी PSP को पसंद है ये जो कामरान टिशोरी साहब है, कि अगर वो टिशोरी साहब खड़े हो गए तो हम उनको वोट दे देंगे और वोट बन जाएगा। तो PSP शामिल क्यों नहीं करवा लेती कामरान टिशोरी को अपने साथ ही? नहीं, वो तो फिर तोड़ के ले जाएंगे ना, वो तो और बात है। देखिए, PSP खुद अपने आप को नहीं जिता सकती है,
लेकिन पीएसपी का वो जो कोशिश है ना कि किसी तरह एमक्यूएम को खा जाए और उसके लिए कोई ना कोई जरिया इस्तेमाल करके तो कुछ किया जाए, मेरे ख्याल में इस वक्त भी प्रेशर होगा इनके ऊपर, फारूक भाई के ऊपर, कि जो है ना आप किसी तरह से ब्रिज क्रिएट करें। एंड दैट एक्चुअली टेक्स अस बैक टू द प्रीवियस डिसीजन, जहां पे हमने देखा था कि मुस्तफा कमाल बैठे थे, फारूक सत्तार बैठे थे और उन्होंने कहा था हम पार्टियां मर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद कहा गया था कि एमक्यूएम तो बड़ा बुरा नाम है, अब इसको तब्दील कर दिया जाएगा, और बाद में आपने देखा कि किस तरह से कहानी चेंज हुई। जो उसके खिलाफ थे वो आमिर खान साहब थे, ठीक है। अब आमिर खान साहब हैं और उनके जितने भी लीडर्स हैं पार्टी के जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनकी वजह से फारूक सत्तार साहब की वेटेज थी खास तौर पे, वो सारे के सारे पहली साइड पे ठहरे हुए हैं। अब मामला ये है कि क्या एक सीट सेनेट की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पार्टी को कुर्बानी के ऊपर जाना चढ़ा दें, मेरे ख्याल में नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा दूसरी बात के लिए मैसेज है फारूक सत्तार साहब के लिए भी और आपका कमेटी के लिए भी, नहीं मेरे ख्याल में फारूक साहब के लिए है ज्यादा, उसकी वजह यह है कि कामरान तिजोरी साहब का जहरी बात है कि उस तरह से ऑर्गेनिकली पार्टी के साथ क्या ताल्लुक है, ना होने के बराबर है ना। एक साल पहले तो वो कहीं भी नहीं थे भाई, उस जमाने में तो अजीब गरीब काम होते थे, नबील कबूल को आपने पार्टी के अंदर शामिल कर लिया था, अब वो बाहर बैठ के गालियां देते हैं, उस वक्त अंदर बैठ के गालियां देते थे। अब इन तमाम चीजों के अंदर यू हैव टू रियलाइज के पार्टी को इकट्ठा रखना है। ये याद रखें कि अगर आप डिवाइड होते हैं तो पार्टी सिर्फ कराची के अंदर सिर्फ एक पार्टी का मुस्तकबिल है। अगर कोई कहता है पीएसपी का है तो वो एक अलहदा पार्टी है, उसका एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं है। एमक्यूएम की जो शेप्ड होल होगा उसको फिल करने के लिए ना तो कोई अल्ताफ वाली पार्टी आ सकती है, ना कोई हकीकी आ सकती है, ना ही इसका कोई टोटा बखरा आ सकता है। नहीं नहीं, सिर्फ एमक्यूएम पी जो है वो उसको फिल कर सकती है। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं कि कराची का वोटर बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, तो इसलिए किसी और पार्टी को वोट नहीं जाएगा, बिल्कुल मुझे ये बता दो। तो इसलिए जरूरी है और खासतौर पर फारूक साहब की तरफ से एक बार लचक दिखाए। और आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, समझदार है, इतना क्या प्रेशर है उनके, बाकी जितने लोग हैं, बिल्कुल खुल के बताओ, खुल के बताओ। मैं आपको बड़ा बता देता हूँ, एक सेठ साहब है जो कि गए थे, उन्होंने दो यूनिवर्सिटियां जो है भेंट चढ़ाई थी अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पे, वो डेडिकेट की थी, और उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब जो है फिर भी उनको नाराज करते रहे या तंग करते रहे, तो उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब का पता कट गया। आपको पता ही है अल्ताफ साहब की असल अल्ताफ हुसैन की अपनी गलतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि ये भाई साहब भी तो कोई कम नहीं है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने पीएसपी बनवाई थी या कहा जाता है कि उन्होंने बनवाई थी, उनके कोई कंपनी भी है ना, वो नेवल टाउन पता नहीं कौन सा टाउन, लेकिन खैर वो साहब जो है अब सरपरस्ती करते हैं मुस्तफा कमाल साहब की, और फिर उनके पास अंधा पैसा है। जब वो इन्फ्लुएंस करने आते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि एक साइड से ये पूरे का पूरा सायरन सॉन्ग चल रहा है कि किसी तरह से एमकेएम उसके अंदर मर्ज हो जाए और एमकेएम की स्पेस खत्म हो जाए। लेकिन हम यहाँ बाकी लोगों को देखते हैं ना, तो पीछे के हैं वो किस तरह से हमें नजर आते हैं, और एमकेएम के बारे में बात की तो एमकेएम में तो हमेशा ही कभी अच्छे हालात कभी बुरे हालात चलते ही रहे। मेरे ख्याल में ये वो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब जैसे लीडर को भी बर्दाश्त किया रहा, जिन्होंने जो है काफी ज्यादा मुश्किल भी बर्दाश्त की, इनके ऑफिस भी बंद हो गए, किस तरह कुछ इन्होंने सहाय, ये तो कुंदन बन के निकलने चाहिए जो एमकेएम पाकिस्तान के लोग हैं। फिर फारूक सत्तार साहब ये प्रेशर क्यों नहीं ले पा रहे, जो इनके बाकी साथ साथी खड़े वो इनका प्रेशर बांटने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने साथी छोड़े। अच्छा, एक बंदे इस सारी की सारी बात की टोन जरा थोड़ी सी, क्योंकि हम वो है नेगेटिव हो रही है, तो मैं ये भी पॉजिटिव कर दूंगी। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अल्ताफ हुसैन साहब ने एक डिक्टेटरशिप बनाई हुई थी जिसके अंदर वो कोई लोकल लीडर को बड़ा बनने नहीं देते थे। एंड में ये होता था कि अगर किसी पे जरा गुस्सा आ गया अल्ताफ हुसैन साहब को, तो उन्होंने जितना भी बड़ा लीडर हो, जितने भी उसके सफेद बाल हो, पिटाई करा देते थे अपने वर्कर से। अब ये हो रहा है कि इस वक्त ऑर्गेनिकली यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ लीडरशिप। ये जो फारूक साहब कहते हैं वो ये कहते हैं कि एक बंदे को इतना बड़ा तो बना दो कि जो है फिर उसके बाद अल्ताफ जैसे लोग चैलेंज ना कर सके ना पार्टी को, लेकिन पार्टी कहती है कि अब हम डेमोक्रेटिक हो गए हैं, खासतौर पे ये राबता कमेटी कहती है, तो फिर हम डेमोक्रेटिक रहे, फिर ऑर्गेनिकली चीजों को आगे आना चाहिए। अब आपको मैं जरा नुक्ते और कनेक्ट करके बताता हूँ। अच्छा, ये जो जिन सेठ साहब की मैंने बात की, वो बहुत प्यारे दोस्त हैं आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब के एक बहुत बड़े सपोर्टर आजकल हमारी खबरों में दोबारा आ रहे हैं, उनका नाम है हुसैन हक्कानी साहब। हुसैन हक्कानी साहब पहले तो पीपल्स पार्टी की बातें बहुत ज्यादा करते थे अमेरिका में, उसके बाद पाकिस्तान बैशिंग शुरू कर दी। एक और चीज हुई है, वो अब एमकेएम के लिए भी एडवोकेसी करते हैं, और एमकेएम कौन सी वाली,
एमकेएम अल्ताफ के लिए, ठीक है। अब ये सोचा जाता है कि जरदारी साहब को किसी और ने कहा, जरदारी साहब ने मलिक साहब से कहा या जो भी नाम है उनसे कहा, उन्होंने जाके मुस्तफा कमाल से कहा, इन्होंने पैसा लगाया, प्रेशर लगाया, और मकसद ये है कि सारी की सारी एमकेएमपी जो है वो बन जाए पीएसपी। अगर वो आज पीएसपी बन जाती है तो दे विल बी दैट होल एमकेएम शेप्ड होल, क्योंकि बाद में जब हालात बेहतर हो तो अल्ताफ हुसैन आके रिक्लेम कर। तो क्या ये वजह है जिसकी वजह से हम लोग आजकल के स्टेटमेंट्स भी सुन रहे हैं कि देखा एमकेएम को सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही चला सकता था, अल्ताफ हुसैन ही लीडर था, किस तरह से डिसिप्लिन कर रहा था कि आजकल बड़ी मीडिया में बातें चल रही है? ये जो मीडिया वाले कहते हैं उनका उनको उनकी तो तलाशी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, और वो कह रहे हैं देखा साबित हो गया कि अल्ताफ हुसैन के बगैर जो एमकेएम है वो धड़ेबाजी का शिकार हो चुकी है, कोई लीडर नहीं है, लीडर का एक करिश्मा होता है, वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन था, वो अच्छा था बुरा था, बकौर उनके अच्छा था बुरा था, उसने पार्टी को जोड़ के रखा हुआ था, चाहे राबता कमेटी के अरकान को मार पड़वाई जाती थी, चाहे गालियां दी जाती थी, चाहे कुछ भी कह रहा था, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन थी। आज हम देखते हैं पार्टी डिसिप्लिन नहीं है, धड़ेबंदी का शिकार है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा जब पीएसपी पे और फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार साहब बैठे हुए थे, तब भी हमने देखा धड़ेबाजी हुई, लेकिन फारूक सत्तार साहब को समझ आ गई। लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि वो इश्यूज बन गए, और आपको आगे भी इस तरह इश्यूज होंगे। फारूक सत्तार साहब को समझ आने की बात नहीं है। देखिए, आप जहां पे बात करें ना, कराची में तीन चीजें हो रही हैं। एमकेएम जो है आज से चार साल पहले तक हुकूमत में थी और अल्ताफ हुसैन की ही जेरे तसल्लुत भी थी और उनके बड़ा इन्फ्लुएंस था, और उस वक्त से अभी तक ये गवर्नमेंट में नहीं है। और उसके साथ साथ दो और चीजें भी होगी, मुझे लगता है कोई कॉलर आ गया, आप कॉलर लेने फिर बात करता हूँ। अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? यार जी ठीक है, फिर से कुरैशी बोल रहा हूँ, छतर प्लेयर मानसरा से। जी कुरैशी साहब जी, पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुद शमदेद कहता हूँ, और एमकेएम के हवाले से मैं ये कहूंगा कि एक चीज है, जिस तरह भी हो एमकेएम में पैराशूट सिस्टम नहीं है, ये मेरिट एमकेएम में मेरिट है, बाकी पार्टियों की निस्बत सबको गरीब से देखा है। और दूसरी बात यह कि जितने भी इख्तलाफात हो ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और इन लोगों का कराची में एमकेएम का होना बहुत जरूरी है। जो मैंने कराची में देखा है, जहां एमकेएम के एरियाज हैं वहां पार्क भी हैं, वहां रोड भी हैं, वहां सेवरेज का निजाम भी अच्छा है। जो एमकेएम के एरिया नहीं है, एमकेएम के पास नहीं है, वहां देखें आपको मट्टी, खड्डे, कीचड़ और सेवरेज का निजाम गर्म गर्म, वहां पानी भी नहीं होगा, और वहां उन लोगों को मतलब पाकिस्तानी चौथे दर्जे के शहरी भी नहीं माना जाता। तो एमकेएम जो है, बाकी अगर पार्टी में आप देखें वहां पैराशूट सिस्टम है, वहां सरमायादाराना और जागीरदाराना वो सिस्टम है, और एमकेएम जो है ये काम कर रहे हैं। और अगर ये कराची में अगर एमकेएम ना होती मेरे अंदाजे में, तो कराची जो है बाकी जिस तरह जो अलग एमकेएम के पास नहीं है, पूरी कराची इस तरह होती। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉलर भी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये तो कीरा बात कर रही हैं जी, आप कौन बात कर रही हैं? मैं निजी अख्तर बात कर रही हूँ, खानगढ़ से, रमजफगढ़ से। जी बात जी, जी बोलिए। आपका टॉपिक बहुत अच्छा होता है, हमने एक मसले पे आपसे बात करनी थी, क्या आप हमारा पैगाम बताएंगी? जी बोलिए। हम ना, हमारा बच्चा ना वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल है, एक माह से हो गए, हम शहबाज शरीफ तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, हमें और कोई रास्ता नहीं मिला, क्या आप हमारा पैगाम, हमारी आवाज उन तक पहुंचा सकते हैं? ये आपकी आवाज जा रही है, आप बोल दीजिए, क्या कहना चाहती हैं? हम कहना चाह रहे हैं, हम ना एक माह से हो गया, हमारा छोटा सा बच्चा है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, और डॉक्टर साहब जो है ना वो हमारे बच्चे को देख नहीं रहे, हम कोई बात करते हैं तो वो हमें ना गालियां देते हैं, वहां से हमें भगा दिया, वो कहते हैं आप हमारा, आप ना बच्चे यहाँ से लेके चले जाए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सही है, बिल्कुल सही जी। बेटा आपका जो नाम है वो तो आ गया खैर, लेकिन ये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा प्रोग्राम के बाद यहाँ पे कॉल करके अपना नंबर भी छोड़ दीजिएगा, हम इस मामले को परसू करने की कोशिश भी कर लेंगे। थैंक यू। हाँ जी, कमिंग बैक टू यू, ये कुरैशी साहब जो है ना बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, एमकेएम का जो है बाहर के लोग, हम हैं एब्सोल्यूट्स में चलने वाले, एक साइड पे एमकेएम से नेक कोई है ही नहीं, दूसरी साइड पे एमकेएम से बुरे कोई है ही नहीं, लेकिन दरमियान में दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। एक टर्म है जिसको कहते हैं सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एमकेएम को आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वहां पे डिमांड और सप्लाई की तरह एक डिमांड थी, इस वजह से एमकेएम बढ़ी और फली फूली, फिर उसके बाद यह हुआ कि कहीं जाके उसके ऊपर हाथ इतना औला रख दिया गया कि वो उसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए, अल्ताफ हुसैन साहब भी बिगड़ गए, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हमने अजीब गरीब चीजें देखी, आज भी देखते हैं।
तो मेरे ख्याल में असल रियलिटी इन दोनों के दरमियान में है। एमकेएम अच्छे मैनेजर्स हो सकते हैं, अच्छे गवर्नेंस भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने आप को बहुत ज्यादा रिफॉर्म अभी भी करना है, क्योंकि आज भी हमें ये जो लड़ाई है इसके अंदर नजर आता है कि कहीं पे कोई ना कोई रिफॉर्म की जरूरत मौजूद है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत यह है कि वो एम्पावर हों और वो आपस में एक दूसरे के साथ चलें। अगर नहीं चलेंगे तो फिर खराब होंगे। मैं तो कहता हूँ हकीकी को भी आके मिलना चाहिए इनके साथ। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह से बात की है फारूक सत्तार साहब ने और अपनी हकीकी बात की, उनको भी शामिल करने के हवाले से, ये जब अब इख्तलाफात हुए तो जब उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा जलसा करने वाला हूं तो उसमें हकीकी भी आ जाए, पीएसपी को फिर से बड़ा नाम ले लेके बुलाया कि जी पीएसपी भी इसमें शामिल हो और बताएं कि क्योंकि मैं ही इनफैक्ट असल लीडर हूं। बात उन्होंने की, उन्होंने कहा 22 अगस्त के बाद से इस पार्टी को मैंने संभाला है। कितनी फारूक ये बात ठीक है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने संभाला है, बाकी उन्हें नहीं संभाला है? आप ये बताएं कि सबने मिलकर इनको सरबरा बनाया, लेकिन हर बड़े फैसला करते हुए हमने देखा है कि फारूक सत्तार सब बेबसी नजर आते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में एंड में कहीं ना कहीं प्रिवेल भी कर जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप देखें ना वाकई जद्दोजहद के लिहाज से, स्टैचर के लिहाज से, मेरे ख्याल में फारूक सत्तार साहब से बड़ा कोई नहीं है पार्टी के अंदर। ये रियलाइज दिस ना, 80s के अंदर मेरे वालिद साहब तारीफें करते होते थे कि जी देखो कितना नौजवान सा लड़का वो मेयर है कराची का। अगर ये इस तरह की क्वालिटी हो और बंदे ने कुछ करके दिखाया तो मेरे ख्याल में अप्रिसिएट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनको भी समझना है कि जो अब डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल चलेगा ना, पहले चलता था अथॉरिटेरियन, ओ जी आपको कोई बंदा पसंद नहीं आया, वर्कर से कहा उसकी पिटाई कर दो, अल्ताफ हुसैन ये करता था ना। उसके बाद अगर कुछ ज्यादा मसला हो गया तो 4 दिन के बाद उसकी बोरी बंद लाश मिलती थी, ये बातें हो रही थी। अब ये नहीं होगा। अब उसकी वजह ये है कि वो जो डार्क मैटर था उसको आपने सेपरेट कर दिया या रियासत ने सेपरेट कर दिया। अब आप जब गवर्न करेंगे, जब आप लीड करेंगे तो थ्रू रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती है, अर्न की जाती है। उसके अंदर अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा बार बार नाराज होता है तो मेरे ख्याल में आमिर खान साहब और आधी रावता कमेटी के दिल में ये है कि ये पीएसपी के हत्ते फिर ना चढ़ जाए। ठीक है, पीएसपी को अंदर लाना कोई नेगेटिव बात ना होती, लेकिन पता क्या होता है, बाज़ोगाज़ ये भी होता है कि मिसाल के तौर पर आपका एक बिजनेस है और कोई बंदा आके क्लेम करता है कि ये असल में उसका बिजनेस है, उसको धोखेबाज में छीना है, आपको समझ आ जाता है कि कोई साजिश हो रही है। उसके 4 दिनों के बाद वही बंदा उसी कंपनी में, आपकी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है और आपको ये लगता है ये अंदर आके साजिश करेगा। ठीक है, पीएसपी का मसला ये है कि पीएसपी का अपना कोई एक प्लान है टू टेक ओवर। ठीक है, और वो बार बार आपको नजर आता है, जिसके लिए वो अपॉलोजेटिक भी नहीं है। तो अगर इस सारी चीज में आपने उनको आने दिया तो आप अपने आप को खराब करेंगे। कामरान टिशोरी अगर ब्रिज बन रहे हैं तो ब्रिज की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि फारूक सत्तार साहब का स्टैचर है, उनको लीडर रहना चाहिए, लेकिन ये बात है कि एज अ लीडर जो है उनको बहुत ज्यादा इम्तिहान में अपने साथ के लोगों को नहीं डालना। बिल्कुल ठीक है। और ये जो कहा जा रहा है ये फारूक सत्तार साहब के हवाले से कि ये भी अल्ताफ हुसैन बनने की कोई कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से कह दिया मैं राबता कमेटी ने किस तरह से बात कर ली, ये भी कहा गया कि राबता कमेटी को जो है मैं तहलील भी कर सकता हूँ, ये भी कह दिया फैसले जो है कल तक जो है वो तहलील हो गए, इस तरह की बातें दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन एमकेएम शामिल नहीं हो सकती नए अल्ताफ हुसैन, लेकिन मैं आपको जरूर कॉलर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो? मेरी बहन को भी इस्लाम हो मेरी तरफ से, भाईजान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आपका? हाजी रमजान भट्ट साहब बोल रहा हूँ, पंजाब से साहिवाल से। सर जनाब भट्ट साहब आगे चीचा वतनी के रहने वाले हैं सर। जी जी बोलिए सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो 5 साल हुकूमत चली है नवाज शरीफ साहब की, जो जलसे हो रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं मिल के, फलानी पार्टी आ गई फलानी पार्टी आ गई, आज से जो पहले 5 साल हुकूमत की पीपल्स पार्टी वालों ने, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारी बहना भी थी, बड़ी थी, हमारे लिए काबिल एहतराम थी। सही है। हमारी कहने का मकसद यही था, रिक्वेस्ट है आपके पैगाम प्रोग्राम के जरिए से भी सभी लोग सुन लें, हमारी तो रिक्वेस्ट है, हम गरीब आदमी है, आपका प्रोग्राम अभी सर हम सुन रहे हैं, हमारे दिल में एक बात आई मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बात बता दीजिए। बात बता भी दें, आपका टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ। 5 साल हुकूमत चली है, जो हम हालात देख रहे हैं, मैं कराची में भी गाड़ी चलाता रहा हूँ, ये मेरा भाई ये पहले कह रहा था एक भी रोड इधर सही है इधर सही है, ये सब जो
एमकेएम का जो अल्ताफ भाई था उसने ऐसा लोगों को प्रेशराइज किया था, पार्टियों ने किया था, जिसकी वजह से भी कोई गरीब आदमी और जगह पे वोट देने के लिए तैयार नहीं था। जो सिंध वाले हैं इधर भी जगीरदार निजाम है। मेरे भाई मुझे शॉर्टली बता दे। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत चल रही है ना, इन्हों हर सूबे में हर गरीब का फायदा हुआ है। सही, बस आपसे पता क्या होता है, हर बात में एक हुक होता है। वो आपसे हुक मांग रही थी कि बात का पता तो चलेगी किस साइड पे जा रही है। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अब्दुल इस्लाम गुजर बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। ये जो मैं देख रहा हूँ आज, मैं चाह रही थी कराची के कॉलर जाए। अच्छा खैर, बोलिए जी, बोलिए। रेट लगाई हुई एमकेएम के ये ड्रामाबाजी में ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, इनको पूछो कुर्बानी की चीज है। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है वो माजरा है। ये लोग जो बांग्लादेश से उठ के आगे बैठ गए हैं कनाकों पे, दरियाओं पे, क्या बात कर रहे हैं? माफ करना, माफ करना। ये मतलब ये जो एक तो महाजर वाली आप लोग बात करते हैं, मुझे तो महाजर वाली बात ही पसंद नहीं आती है। कब वो माइग्रेट करके आए? और महाजर से बड़े कोई भी नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी कुर्बानियां थी जो माइग्रेट होकर यहाँ पे आए थे। और बात से मैं हैरान हो गया, एक सेकंड के लिए देखने लगा था कि आप क्या कहने लगी है। नहीं, हुक अभी आया नहीं। मुझे पता है कि आप हुक पे आ रही थी। कोई और कॉलर भी है? नहीं जी। देखिये, महाजर को महाजर कहना कोई क्यों बुरी बात होगी? मैं अपने आप को अगर बलोच कहता हूँ तो हर बंदा बलोच को बलोच मानता है, ठीक है। अगर आप अपने कोई आइडेंटिटी बताती है, जो अपनी आइडेंटिटी जिस तरह प्रेजेंट करना चाहेगा, ये नाम है। और मेरे ख्याल में उन लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब जो भाई जन आप बात कर रहे थे ना, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होता है, बात यह है कि हमने फैसला करना है कि हमने जो 70 साल की हमने वही करना है कि अपने मुल्क को जरा बेहतर बनाना है। अगर बेहतर बनाना है तो ये जो हमारी एटीट्यूड में शिद्दत है ना, कि यार या तो बंदा बिल्कुल ही 100% गंदा होगा या 100% फरिश्ता होगा, ये नहीं होता है दुनिया के अंदर। ना तो शैतान होते हैं हम लोगों में, इंसानों की जो बात है, ना ही फरिश्ते होते हैं। हम इंसान हैं उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन कोई इम्परफेक्ट भी इतना नहीं है कि हम कहेंगे जी बस इससे तो बात ही नहीं हो सकती। अगर हम ये समझ लें तो फिर एमकेएम का बाहर क्या एक माजी है, उसके अंदर नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा है, उसको मानते हुए उनको रिफॉर्म करने का एक चांस देते हुए ये जरूर कह सकते हैं ना कि यार अवाम जो है कराची की इन्हीं को पसंद करती है। अगर करती है तो मैं क्या करूं, मैं जाके अवाम से लड़ूं कि जी इनको वोट ना डालो, किसी और को वोट डालो? ऐसा नहीं होता। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर। देखो ठीक है, फरूख नसीम साहब ये बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी भी पार्टी के पास ये इख्तियार हासिल है कि 2/3 अक्सरियत के साथ वो कन्वीनर चेंज भी कर सकते हैं। दोनों बातें सच है। कन्वीनर जो है ना, वो देखिए एक बात तो ये है कि ये तो वाकई अजूबा है ना कि एक कमेटी का सरबराह जो है वो कहीं और है, उसको बताया नहीं गया और पूरी की पूरी कमेटी मौजूद है और वो फिर कह रही है कि सरबराह भाई, ठीक। लेकिन वो कमेटी चाहे तो कन्वीनर को हटा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन उसके साथ साथ कन्वीनर चाहे तो वो भी रब्ता कमेटी को हटा सकता है। प्राइम मिनिस्टर वाला मामला है ना, ठीक है। पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर तोड़ सकता है, लेकिन पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा भी सकती है ना। तो यहाँ पे कन्वीनर का बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन क्या इस हद तक नौबत जानी चाहिए? आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। जाएगी। देखिए मेरा सिंपल है, ये पार्टी नई है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अंडरस्टैंड या ऑब्जॉर्व करने में, ठीक है। ज्यादा पार्टी इसके अंदर नहीं था। इस पार्टी के अंदर लीडरशिप का फुकदान इसलिए था कि अल्ताफ हुसैन चाहते नहीं थे कि कोई बंदा बड़ा बन के आए, क्योंकि जो भी बन के आता था उसको या तो मार डाला जाता था या उस पर अटैक हो जाता था, ठीक है। अल्ताफ हुसैन चाहते थे कि क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल से चला रहे पार्टी, तो वो रिमोट कंट्रोल कायम रहे और बाकी सारे रोबोट्स हों, ठीक है। अब ये लोग जो है दे आर एक्चुअली यू नो पुलिंग देयर वेट, दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन देयर फीट। और जब ऐसे हालात हैं तो उसके अंदर दे आर फाइनली असर्टिंग। तो जमहूरियत के अंदर झगड़े भी होते हैं। देखिए याद रखे, डेमोक्रेसी इज मैसी। डिक्टेटरशिप जब भी आती है ना तो वो एक बात पे आती है कि देखो ये आपस में लड़ते हैं, देखो मैं आऊंगा डंडा उठाऊंगा और सीधा कर दूंगा सबको, सीधा हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही है कि आज के दिन अगर ये क्राइसिस चल रहा है, हमारा मसला ये है कि हम ड्रामेटाइज बहुत करते हैं। आज मैं बताता हूँ,
कि दो दो धड़े गए, अब कहते हैं ना धड़े, चलो मैंने कह दिया कि पार्टी का सर अलहदा गया और धड़ अलहदा गया, और दोनों ने अलहदा अलहदा बंदे नॉमिनेट कर दिए। लेकिन जब विड्रॉल का टाइम आएगा, अगर उस वक्त रिकनसाइल हो गया, तो वो बाकी जो है वो कवरिंग कैंडिडेट बन जाएंगे। ठीक है, वो तो बन जाएंगे, लेकिन फारूक ये भी पहली बार हुआ है कि छह यानी कि टोटल इस टाइम 12 कैंडिडेट जो हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं। तो आपको पता है कौन कौन बनेगा? जानिब से मुझे ये सिर्फ ये बता दीजिए, पीपल दैट यू नो, फारूक सत्तार साहब की जानिब से हमें नजर नहीं आ रहा कि वो किसी सूरत भी पीछे हटेंगे, वो काफी जो है रिजिड स्टांस भी उनका नजर आ रहा है। राबता कमेटी भी जी, अब ये क्या होने वाला है ये मैं आपकी प्रेडिक्शन चाहूंगी, आपको क्या लगता है किस बात पर जो है? हाँ, सारे को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं हमारे साथ, लेकिन अच्छा नहीं है, क्या लगता है कि किस बात पे हो सकते मामला तय पा सकते कि नहीं, कामरान डिसोरी इन है या आउट है? ये क्योंकि कामरान डिसोरी है यहाँ पे और मजा ही नहीं हमारे पास। कामरान डिसोरी साहब की जो है ना पूरी की पूरी राबता कमेटी की कॉस्ट पे जो है वो कामरान तिसोरी साहब मेरे ख्याल में ना कराची को एक्सेप्टेबल होगा, ना एमकेएम को होगा, ना ही जो है फारूक भाई को होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप कहती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके अंदर, मेरे ख्याल में फारूक भाई बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल दिमाग के आदमी हैं, वो हमेशा जो है अकोमोडेट करने में बिलीव करते हैं। कल रात को एक और मसला हो गया था, कल रात को एग्रीमेंट तकरीबन हो गया था, लेकिन उसके अंदर ये हो गया कि इन्होंने कहा कि कामरान तिसोरी को मैं हटा देता हूँ, वो नहीं आएगा, लेकिन फिर ये तुम्हारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना ये भी नहीं आएंगे सारे के सारे, फिर नए लोग सारे लेकर आओ। और मेरे ख्याल में नहीं, इट इज अ बैड आइडिया। ठीक है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? डॉक्टर साहब, आप खालिद सोलह की लड़का ना से बात कर रहा हूँ। हुक्म कीजिए। हाँ सर, बात ये है कि सियासी पार्टी जो है वो एजी ख्वाजा को हटाना चाहती है, ठीक है, जबकि उस जगह पे आई जी दफ्ती साहब को लाना चाहती है। वो लाटकाना में कुछ दिनों बाद उसकी खुशी में, दफ्ती साहब की खुशी में फायरिंग हुई थी, एक गवर्नमेंट एक्टिविटी के लोग हैं वो जो है ना, उन्होंने फायरिंग की कि बाबा हमारा ये जो आई जी आ रहा है वो पसंद का आ रहा है, ठीक है ना, तो हम आगे मनमानियां करेंगे, और एक क्रिमिनल अंसर जो है ना उसने फायरिंग की। हम कहते हैं उस सियासी पार्टी को खुदारा ख्वाजा को रहने दिया जाए, किसी एरे गहरे को आप ना लाड़काने वालों के ऊपर मुसल्लत करें, खुदा को मारो, अवाम को चल दे और अवाम के मसाइल हल करें, और अपनी जो है ना वो बादशाह कायम ना करें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया है। एक जवाब दे दूं इनका, और वो ये है कि ये मामला क्योंकि कोर्ट्स पर हमें सुनाई होता रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको कोर्ट्स पे छोड़ दीजिए, आपका और मेरा काम इतना नहीं है कि हम लोग स्पेकुलेट करें। देखो ठीक है, मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ी उसको मैं सेनेट इलेक्शन की तरफ भी जाऊंगी, असल में क्योंकि मसला तो सेनेट इलेक्शन का ही है जो एमकेएम का बना हुआ है। जो है रजा हारून साहब कहते हैं, पीएसपी के रहनुमा, वो कहते हैं कि एक तो पहले उन्होंने कहा फारूक सत्तार साहब जो एमकेएम के 12वें खिलाड़ी के तौर पर सामने आए, ये 12वें खिलाड़ी से इनकी क्या मुराद है ये भी बता दीजिए। उसने कहा, उन्होंने कहा कि एक टिकट पे दस्तों गरीबा हो गए, आम इलेक्शन में तो गले काटेंगे एक दूसरे के, और वाकई अगर सपोज आज मामला ठीक हो भी जाते हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई मसला चल रहा है, तो क्या आम इलेक्शन, क्योंकि ये सवाल पूछा भी गया फैसल सब्जवारी साहब से, उन्होंने कहा कि टाइम कम रहेगी आम इलेक्शन में, आप एक सेनेट की टिकट पे लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी को वैसे ही इतनी मुश्किल का सामना रहा है, आम इलेक्शन में पहली बार आपकी पार्टी अल्ताफ हुसैन साहब की सरबराही के बगैर जा रही है, आपने इलेक्शन से रिपोर्टर ने सवाल किया। अच्छा वो होगा रजा भाई जो है ना, भाइयों की तरह है, मतलब मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन मसला ये है कि कराची के अंदर ना ये दो एलिमेंट्स, दो सीटों का मैं आपको हर वक्त कहता हूँ, एक जिनका चैनल है जिसके अंदर बैठ के वो हर बंदा पागल हो जाता है जब भी आगे बैठता है, वो एक डॉक्टर साहब है ना जिन्होंने पत्र लगाया, काफी बढ़ती जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, हो जाए का वो चल रहा है, चले जो भी हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक वो सेठ साहब, उनके पास कोई गिद्दड़ सिंह ये अच्छे खासे जो है ना स्टेबल लोगों को अनस्टेबल कर देते, दूसरी गिद्दर सिंह जी इन सेठ साहब के पास है, मेरे ख्याल में वो गिद्दर सिंह जी क्या है, रुपया है और क्या, ठीक है, लेकिन अब ये है कि ये जो जहां से स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं ना, इन स्क्रिप्ट्स का मसला ये है कि यू ऑन वन साइड यू आर क्रिएटिंग प्रेशर कि आपके साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है, जब वो कनेक्ट करने के लिए आपस में जो है पोलराइज होते हैं तो फिर आप कहते हैं देखो कितने गंदे, ये जो टिकट है ना जी, ये एक सीट जो है ये कोई मामूली सीट नहीं है, ये सेनेट की सीट है, यानी कि ये अगले 2.5 साल तक चलेगी,
अगले इलेक्शन आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर ये सीट नहीं रिप्लेस होगी, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। व्हेन यू रियलाइज दिस तो मेरे ख्याल में उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है और बात भी बनती है। अब आपने ये कहा कि रिपोर्टर कह रहे थे एक तो हम साथियों को एमकेएम से ज्यादा फिक्र है चीजें ठीक करने की, बात यह है कि एमकेएम खुद कर लेगी अपने आप को। तिवारी ने कहा कि हमारा जो वोटर है वो हमारा वोटर है, हमें टेंशन नहीं है, वो हमें वोट देगा। अच्छा देखे ना, मतलब ये सर को देगा या बाकी चीजों के ऊपर इसी तरह से लड़ाई होती रही। आज देखिए ना, एक चार इनकी सेनेट की सीट बनती थी, उनमें एक पे इतना ज्यादा मसला कर दिया है। चार नहीं बनती ना, अब तीन बनती है। अब तीन बनती है, ये मैंने बताया कि अगर पीएसपी की सपोर्ट हो तो चौथी से सीट मिलती है वरना नहीं मिलती। ओके, और इसलिए जो है ना तिसोरी जो है ना वो इसलिए हो रहे हैं, केस पे जो है मामला तय पा। अब वो बता ना, तिसोरी नाम की कंपनी भी है, सोने की कमी है ना, तो सोना तो बड़ी फूट का जो है ना, सोने की चमक होती है। हाँ, मेरे ख्याल में उसका इम्पैक्ट भी होता है। हाँ। लेकिन इस वक्त जो है आई थिंक कि ये रिकंसाइल कर जाएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल में तिसोरी साहब की कॉस्ट पे देखें, पार्टी का अपना डिसीजन है, लेकिन लेकिन आउट ही रहना चाहिए अगर अगर पार्टी पूरी पूरी राबता कमेटी के कॉस्ट पे तिसोरी साहब किसी को नहीं एक्सेप्टेबल। ठीक है, ठीक है। अब नाज़रीन, चूंकि सेनेट इलेक्शंस की बात हो रही है और सेनेट इलेक्शंस ही हैं और एक सेनेट की सीट ही थी जिसकी है, बल्कि जिसकी वजह से एमकेएम के जो आपस में लोग हैं वो दस्तों गिरेबान में नजर आ रहे हैं, उन्हें सेनेट इलेक्शंस के वाले से बात कर लेते हैं। सेनेट इलेक्शंस का जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 3 मार्च को जो है इनेकाद का शेड्यूल जारी भी कर दिया गया है। आज चारों सूबों से तमाम कागजात नामजदगी जो है वो वसूल भी कर लिए गए हैं। वैसे कि कहा गया था कि इस्लामाबाद में जो है वो 10 फरवरी की जो है डेडलाइन दी गई है, और अगर फाटा की बात की जाए तो 12 फरवरी कहा गया कि तब तक अपने जितने भी अरकान हैं, नॉमिनीज हैं, वो अपने जो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दे, उसके बाद जो स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा, सख्त स्क्रूटनी की जाएगी तमाम कागजात के हवाले से, और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा अमल भी होगा। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इस्लामाबाद से 2 आ रहे हैं, दो सेनेटर्स आएंगे। पंजाब और सिंध की बात की जाए तो 12-12 है, केपीके और बलूचिस्तान की बात की जाए तो 11-11 है, पाटा से 4 है। ये वो तमाम लोग हैं जो सेनेट का हिस्सा बनेंगे। आज भी हमने देखे हैं कुछ नए नाम आए हैं, कुछ पुराने नाम आए हैं, तो नए और पुराने नामों का जो है वो हमें कम्बिनेशन इस बार सेनेट में नजर आएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नाज़रीन, फरूख की तरफ भी जा रही हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग एक बार फिर हम बड़ा शोर भी सुन रहे हैं। ये जब भी सेनेट इलेक्शन आते हैं हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात सुनते हैं, पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम लिया जा रहा है, लेकिन तमाम ये वो बातें हैं जो हमारे सामने आ रही है। फरूख, क्या वजह है सेनेट इलेक्शन जब भी आते हैं हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर कोई हमारा सेनेट इलेक्शन कामयाब नहीं हो पाता? सीजन चलता है हॉर्स ट्रेडिंग से पहले मुझे ये बताएं कि मेरे वक्त आते हुए आपको हॉर्स कैसे याद आ गए? इम्पोर्टेंट लेकिन नहीं आए ना। अच्छा, लेकिन बात ये देखें, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह और पूरा कल्चर हमारी अपने जो है ना पॉलिटिकल कल्चर, मैं पिछले 12-14 सालों से इस बात को पीट रहा हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो वो होती है ना स्पाइन नहीं है। हम कहते हैं कि पार्टी के अंदर इलेक्टोरल पावर नहीं है, इंटरनली पार्टीज के अंदर जो है वो एक लीडर की जागीर बन जाती हैं पार्टियां। अच्छा, और उसके अंदर हम बार बार ये कहते हैं ना कि जी क्यों ऐसा है, ये डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप नहीं है भाई, आपके मुल्क के अंदर कैंपेन फाइनेंस लॉज नहीं है, उसकी वजह से खजाना जो होता है पार्टी का वो खाली रहता है, और बहुत सारी पार्टियां हर पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टियां टिकटें बेचती है ताकि जो है उनको पैसा मिले और उनके पास कैंपेन के लिए पैसा हो। उस तरह से कुछ अच्छे लोग गरीब लोग भी पहुंच जाते हैं क्योंकि वो पैसा जो है उनकी कैंपेन के लिए काम आता है। ठीक है, ठीक है। अगर आप कैंपेन फाइनेंस के लॉज को तब्दील नहीं करेंगे, अगर उसके अंदर माइक्रो मैनेजमेंट और रियलिटी की बात नहीं लेकर आएंगे, तो पार्टियां टिकटें फरोख्त करती रहेंगी। और सेनेट में और एमएनए एमपीए की टिकट के अंदर एक फर्क है, एमएनए और एमपीए की टिकट जो होती है उसके अंदर तो आपको फिर भी जाके अवाम को कहना पड़ता है कि मुझे वोट डालो। यहाँ तो बहुत छोटा सा हाउस है ना, उस 150-200 बंदों को मनाना और उनसे कहना या 18-20 बंदों को कि जी मुझे वोट डालो और उनको कोई तोहफे भी देना, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सेनेट की टिकटों की कीमतें भी ज्यादा होती हैं,
और इस दफा यही मेरा सवाल था कि ऐसा नहीं, अभी आपने कहा ना एमएनए एमपी का, तो मुझे लगता है कि एमएनए एमपी में जो होते हैं कितने हजारों लोग होते हैं या लाखों लोग होते हैं जो कन्विंस करना पड़ता है, लेकिन उसमें खर्चा कम आता है एज कम्पेयर टू ये एक सेनेट की सीट के लिए खर्चा ज्यादा पड़ जाता है, करोड़ों की गेम हो चुकी है जनाब। एमएनएज की जो है वो करोड़ों से भी बढ़ रही है, ये याद रखिएगा। जब आप पब्लिकली वो करते हैं, यही तो मैं होता हूँ ना कि आपने कैंपेन के अंदर जो सीलिंग लगाई होती है 10 लाख 20 लाख ये करते हैं ना जी, उसके बाद आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, देखते नहीं कितना पैसा लगता है। भाई ये बताएं कि अगर कोई एमएनए का कैंडिडेट गाड़ियां बांट रहा है या मोटरसाइकिल बांट रहा है तो वो 20 लाख में आ जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, है ना। हाँ। तो अगर आप इस रियलिटी को देखें तो मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। लेकिन साल में आखिर में से एस्टिमेट क्या है, क्या लगता होगा एमएनए? करोड़ों भाई मेरे ख्याल में इससे, हाँ इससे ज्यादा लगता है। और जो हॉर्स ट्रेडिंग आपको लगती है ये जो बलोचिस्तान में चल रहा है कुछ, तो इसमें भी करोड़ों की गेम? बलोचिस्तान के अंदर कहानी पहले बड़ी आसान थी, जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा था, अब जरा कॉम्प्लिकेट हो गई है क्योंकि कुछ और क्लेम्स आ गए हैं। मैं उनका क्लेम्स की उसमें बेस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आई होप कि उनकी थोड़ी सी छानबीन हो जाए क्योंकि हमारे यहाँ शक और शुबे की बुनियाद पे चीजें बहुत खराब की जाती है। ठीक है, जरदारी साहब का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था ना बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत गिराने और नई लाने में, वो अपनी जगह, लेकिन क्या कोई और एलिमेंट है, ये सवाल बहुत बड़ा बनता है। अच्छा, अब ना कम बैक टू बलोचिस्तान सिचुएशन। बलोचिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर कौन लोग वहां पे जाते हैं असेंबली में कामयाब होते हैं? नवाब होते हैं, सरदार होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो उनकी लॉयल्टी अगर होगी तो दो ही चीजों से होगी, या तो अपने साथ होगी या ज्यादा रियासत के साथ होगी। तो जब ये होता है उसके अंदर पार्टियां ऐसे 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 चेंज होती है। मिसाल के तौर पे 2008 के अंदर जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, सारी की सारी पार्टी कौन सी जीतती थी? पीएमएलक्यू जीतती थी। अगले दिन एक रात में सारी की सारी पीएमएलक्यू जो है पीपल्स पार्टी बन चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने मुस्लिम लीग का देखा और ऐसे होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल उठता है ना कि जैसे बलोचिस्तान की बात है और बलोचिस्तान में इस वक्त कोई भी पीपल्स पार्टी का एमपी इस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फरुख क्या इलेक्शन कमीशन को इस सवाल से नोटिस नहीं देना चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है उसको ये बलोचिस्तान के लोग अगर वोट दे रहे तो क्यों दे रहे? ये कुछ तो मैकेनिज्म करें ना, कुछ तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। मेरे ख्याल में देखें, हमारा इश्यू ये है कि हम एक साइड पे कहते हैं ओवर रेगुलेट करो, दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि जी हम जो गलत काम कर रहे हैं हमारे ऊपर नजर भी ना डाले। ये जो मामला है इस वक्त ये है कि हर पार्टी ये तो कहेगी कि रेगुलेट करो, लेकिन जब रेगुलेशन के लिए ज्यादा आगे आएगा इलेक्शन कमीशन, हर पार्टी को मसला हो जाना है। ठीक है। उसकी बजाय कि हर पार्टी एक ही तरह से जीत रही होती है ना, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने कल्चर को भी तब्दील करें, थोड़ा सा लोगों को भी समझाएं कि भैया अपनी जो इस तरह से टिकटें बेची जाती हैं या जिस तरह से अपना वोट बेचा जाता है वो खुदा के लिए ना बेचा। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में इतने समझदार तो लोग हैं ना फरुख, कि आप उनको क्या इतनी एज भी हुई भी, एक्सपीरियंस भी है पॉलिटिक्स का, सब चीजें हैं, बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, इसका मतलब है वो पॉलिटिक्स को इसी नजर से देखते हैं। आप और मैं नहीं समझाएंगे ना क्या? आप और मैं नहीं समझ, जो समझाने वाले वो कितना समझाते हैं, क्या इस पर ओवर कंट्रोल नहीं कर लेना चाहिए? कुछ इस तरह से चीजें करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन कुछ रूल्स इस पे बता कर दे, कुछ बातें, जैसा भी मैंने कहा कि किस तरह से एक एमपीए जो कि पीपल्स पार्टी का कोई एमपीए नहीं बलोचिस्तान असेंबली में, तो तमाम लोग कैसे पीपल्स पार्टी किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते? ये सवाल तो उठ गया। खुफिया वो होती है, उससे बेहतर नहीं है कि अब सबके सामने हो ये वोटिंग? मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, उसके बाद वोट की जरूरत नहीं है, नंबर काउंट कर लो और कहोगे जी सारे कि कुछ अच्छा पहले ये लोग कह रहे थे कि सीनेट के इलेक्शन होंगे, बात खत्म हो जाएगी, यहीं पे सीनेट के इलेक्शन आ जाएंगे। आज ये अपने टिकट के लिए और लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बंदा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इन सियासतदानों की समझ नहीं आई है। मुस्लिम लीग ने अच्छा काम कर रही है, हर चीज को अच्छे तरीके से चला रही है, और ये उसके बारे टांगे खींचते हैं, तफसीर की बात आती है तो फिर पीछे बाद में शुरू हो जाते हैं। चले चले, बिल्कुल सही है बासी साहब, बात यह है
कि अगर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं होंगे, तो हमारा प्रोग्राम तो लगातार कह रहा था कि इलेक्शन अपने टाइम पे भी होंगे, और पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशनली ये कहा जाता था फौज या अदलिया के बारे में कि वो जो है डेमोक्रेसी के साथ नहीं, डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है पिछले 10-15 साल में दोनों कुवतें पूरी ताकत के साथ डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हिस्सा डाल रही है, और उसके अंदर जो है कोई फ्रीक एक्सीडेंट कहीं पे हो जाए तो वो और बात है, लेकिन ओवरऑल कंसेंसस, और मैंने ये बार बार कहा है कि ये जमहूरियत पसंद सियासतदानों की वजह से भी, और उसके साथ साथ बहुत सारे हैं जमहूरियत पसंद सियासतदान, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत पसंद आर्मी, जिसको मैं जमहूरियत का हिस्सा समझता हूं, और जमहूरियत पसंद बल्कि जमहूरियत का हिस्सा हमारी जुडिशरी, इनका भी हिस्सा है। अगर आप इन एलिमेंट्स को जान ले तो फिर मेरे ख्याल में हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में हम जमहूरियत रहेगी और काम भी करेगी। बिल्कुल ठीक है, कॉलर नहीं है हमारे साथ। अच्छा। अभी मजीद सारे इलेक्शन के हवाले से ही बात करेगी तो बात बड़ी अच्छी। एक सेकंड के अंदर चले गए जो मेरी बात करते हुए। अच्छा, मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ भाई। वैसे एक छोटी सी सफाई दो, एक तो पीटीआई के और ये पैट के लोग, कल अब देखिए मैं पीटीआई की भी जो है ना थोड़ी सी सपोर्ट कर रहा था, पैट वालों की भी सफाइयां दे रहा था, लेकिन उनको जब गुस्सा आता है तो वो गुस्सा निकालते जाते। भैया मैं अगर कह रहा हूँ कि फौज की कदर करो, मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट की कदर करो, मैं कहता हूँ जुडिशरी की कदर करो, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियत की कदर करो और जमहूरियत की कदर करो, तो क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना कि मेरा कोई बुद्ध बना लो और पता नहीं जो है ना मेरे नारे चलाना शुरू कर दूं। आई नेवर डिमांडेड एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। भैया मुझे कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि मुझे कोई भलाई मिलेगी। बात यह है कि मैं तो बड़ा मामूली सा आदमी हूं, जिस मुल्क के अंदर बुत परस्ती या जो है ना पत्थर परस्ती शुरू हो जाए ना, मैं तो मामूली सा इंसान हूं। सोना चांदी हीरे जवाहरात सड़कों पे ठुड्डे खाते फिरते हैं, क्योंकि आप तो बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, आपको दौलत की इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं तो बड़ा मामूली आदमी। ठीक है, कैंडिडेट्स के बारे से बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स आपने देखे हैं, टाइम क्योंकि कम है तो सबका वर्धन फर्दन तो हम तो बात भी नहीं कर सकते। किसकी बात करें? पीटीआई की करें। पीटीआई की बात करना चाह रही हूँ, पीपल्स पार्टी की भी करना चाह रही हूँ, नून लीग की भी करना चाह रही हूँ मैं बात। नून लीग से स्टार्ट करें तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जितना भी कर पाए हम लोगों ने कहा इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे। नून लीग की अगर बात की जाए तो हमें अच्छे सेनेटर्स भी नजर आए हैं, कुछ वो लोग हैं जो पहले भी थे वही दोबारा भी आ रहे हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं, मुशाहिद हुसैन साहब आए हैं, जुनेजो साहब आए हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है। आसिफ किरमानी साहब पहले भी थे, दोबारा भी हमें नजर आ रहे हैं, इसी तरह से ये है। पीपल्स पार्टी की देखे तो पीपल्स पार्टी में जहां और कई लोगों को कुछ पुराने भी हैं, एतजाज हसन की बात कर ली जाए, मुलाबक चांडियो साहब की बात की जाए, रजा रवानी साहब की बात की जाए, कहा जाता है कि शायद परियाल तालपुर को लाया जाए और उनको चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन चलें ये तो काम नहीं हुआ, ये चीज नहीं हो पाई। लेकिन ये बिलावल जिंदाबाद के बिलावल ने कह दिया कि वो नहीं आएगी। कृष्णा कुमारी साहिबा ये एक घर से एक खातून एक माइनॉरिटी और फिर उनको सेफ जोन से जो है ना इलेक्ट कराया जा रहा है, वरना अगर आप पंजाब की कोई टिकट दे दे किसी माइनॉरिटी को उनको मिले या ना मिले। हाँ। तो ये एक अच्छा नाम जहाँ हमें नजर आएगा, बाकी हमें और पीएलएल ने एक नाम जो मुझे बहुत खुशी हुई, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है, मेरे ख्याल में हर पार्टी के अंदर एक इंटेलेक्चुअल बेस होनी चाहिए, मुशाहिद साहब मेरे उस्तादों की तरह भी है, एंड आई थिंक ही इज अ ग्रेट गेन। और लोग कहते हैं आज के दिन ये सब कुछ हो गया, भैया जब यमन की डिबेट चल रही थी ना तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज अ प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट ओनली स्टैंडिंग अप बट कोटिंग एंड अप्रिसिएटिंग एंड प्रेजिंग मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और मेरे ख्याल में उनका डायनेमिक उस वक्त से बना हुआ था। अब फ्लो क्रॉसिंग नहीं करनी थी, जब इलेक्शन का टाइम आया तो वो इधर आ गए। पर मेरे ख्याल में नून लीग के जितने भी हैं, जो भी अभी नॉमिनीज हमें सामने नजर आए, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि जो कि पैसे के बलबूते पे आया हो या जिसने कोई पार्टी के लिए काम ना किया हो या कुछ भी, ऐसा कोई नाम जहन में नहीं आता है। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के जहां कुछ पुराने लोग आ रहे हैं, सारे के सारे बड़े ऑनरेबल लोग हैं, जैसे कृष्णा कुमारी की बात की, वहां और भी कई ऐसे लोग, रवानी साहब की बात की, मुझे लगता है कि बाकी और कोई ना हो ना आप और मैं जो ना रजा रवानी साहब के नारे लगाते हैं, लगता है नून लीग भी बड़ा है, रजा रवानी साहब आपको पसंद करती है, मुझे पता नहीं लग रहा है कि रजा रवानी साहब आपको दोबारा चेयरमैन के तौर पर। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था, लीडरशिप के अंदर जो रिस्पेक्ट है ना वो डिमांड नहीं की जाती, वो अर्न की जाती है। ठीक है, और मेरे ख्याल में उन्होंने अर्न की है,
और वो आपका दर्शक नजर वो पीटीआई के लोगों में मेरे ख्याल में एक फैसल साहब हैं जो मेरे ख्याल में मुझे मतलब उस तरह से जागीरदार नहीं है कुछ भी बाकी बड़े उनसे उनसे कई सीजन कोई कई सीनियर लोग थे लेकिन वो मैं नजर नहीं लेकिन बाकी लोगों का तो नाम भी मैंने अब पहली बार सुना है और सुना है कि बड़े आपने देखा है कि अखबारों में क्या छप रहा है जी कि तब्दीली का वादा करने वाली पार्टी जो है वो अब अरबपतियों को जो है ना टिकटें देगी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर ही बात को छोड़ दें आपने कंक्लूड करना है। मेरे ख्याल में इस वक्त इतना बड़ा ये जो है ना मोमेंट है जिसके अंदर फिक्र करने की जरूरत है कि हमारे मुल्क के अंदर पीटीआई को फिक्र करने की जरूरत है ये फिक्र नहीं आवाम को करने की जरूरत है पीटीआई ने तो कभी करनी नहीं है। थैंक यू सो मच फरूख टाइम को खत्म हो गया ना जो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल तब तक रखेगा बहुत सा ख्याल अल्लाह हाफिज़।